179 बटालियन ऑफ के वसादत से होते हैं और इनका फायदा वहाँ फ्री मेडिकल एड्स मिलते हैं लोग तो मुझको नशन सो रहे मुझे यहाँ मैं तो उपस्थित बच्चों को दिल्ली मुंबई या अलग अलग जगहों पे ले जाते हैं फिर रहेंगे जिससे जनरल पब्लिक को फायदा मिलता है। हेडमास्टर शुक्रिया कर 179 वाले हूँ सी आर पी एफ से खुलो ये कैंप मुफ्त दवा दिवान कि इन वाल वक्त मैं तुम कैंप बे रोजन कि गाम आई आव फायद क्या गरीबन मिल दवा अमुक बहुत शुक्र गुजार प्रोग्राम गे गि कि इन वाल लूक मिले अम स फायद तो ये कि शुक्र गुजार इन कि लोग यह कैंप ये गरीबन मिल ये दवा कि बीमार तोर सखर शुक्र गुजार। हाँ ये मुंडी में ये इस साल का पहला मेडिकल कैंप लग रहा है भारत सरकार के द्वारा जो सिटी एक्शन प्रोग्राम के तहत मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है तो उसी कड़ी में ये इस साल हम लोगों ने पहला कैंप लगाने का निश्चय किया था और मुंडी गांव में किया जा रहा है। इसमें बेसिकली हमारा एम रहता है मकसद रहता है कि जो दूर दराज के गाँव के लोग हैं जिनको प्राथमिक चिकित्सा का लाभ नहीं मिल पाता है तो उसके लिए हम खुद ही उनके पास जाएं जा करके उनका थोड़ा बहुत जो उपचार कर सकते हैं करें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दवा मुहैया करें। सर इसमें जब भी हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं तो कम से कम 300-400 लोग उससे लाभान्वित होते हैं और ये पिछले साल हमने करीब 10 कैंप लगाया था अलग अलग इलाकों में सुपौल के दूर दराज के इलाकों में तो उसमें करीब 3,000 से 3,500 लोग लगवान भी चुके थे तो आज भी जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं तो जो भी 250-300 लोग लगवान भी हो सकें। हाँ बिल्कुल जैसा मैं पहले भी बताया कि हमारा मकसद रहता है कि दूर दराज के इलाकों को हम लोग कवर कर सकें जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते हैं या असमर्थ रहते हैं किसी भी कारणवश तो हम लोग खुद ही जाएँ या जा करके उनका जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका इलाज करें और उनको दवा मिला करें। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जो भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित है इसमें सीआरपीएफ के द्वारा मेडिकल कैंप इसके अलावा भारत दर्शन पे भी हम दूर दराज के इलाके के बच्चों को दे जाते हैं जिसमें कि दिल्ली या मुंबई या अन्य इलाकों में उनको भ्रमण कराते हैं ताकि देश और दुनिया के बारे में उनको भी पता चले। इसके अलावा फुटबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट या वॉलीबॉल टूर्नामेंट इसका भी आयोजन हम लोग करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा सीआरपीएफ का एक मददगार हेल्पलाइन नंबर भी है 144-111 उसमें भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उस पर वो फ़ोन करके अपना जो परेशानी है वो बताते हैं तो उसके तहत हम लोग उसको जो भी ज़रूरत का सामान होता है या मेडिसिन होता है उसको हम लोग मुहैया कराते हैं।